इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सारे लोग मस्जिदों में चले जाएंगे और नमाज, रोजे, हज और जकात के अलावा उनके पास करने को कोई काम नहीं होगा और ऐसे सारे नेक लोगों के लिए दूध की नहरें जारी होंगी और मनोसलवा उतरेगा। इसका मतलब यह था कि हमने अपनी जिंदगियों को इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर करना है और दुनिया को दिखाना है कि यह है इस्लाम और ऐसे होते हैं मुसलमान। लेकिन अब जो हमारा हाल है वो आपके सामने है, दुनिया भर की दो नंबरियां कोई हमसे सीख ले। यानी दो नंबरी तो जैसे हमारा कौमी ब्रांड बनती जा रही, शहद में शीरा, दूध में पानी, घी में केमिकल और मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मस्नूई रंग, सुर्ख मिर्चों में ईंटों का भूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, जूस में रंग और जाली फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों को मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की टॉफियों में जहर आलूद मटीरियल, बकरे के गोश्त को पानी के टीके लगाकर उसका वजन ज्यादा करना, गाय को टीके लगाकर उसका दूध ज्यादा करना, शवारमे के गोश्त में कुत्ते का गोश्त शामिल करना, अब तो ये खबरें भी हैं कि शादियों पर मरी हुई मुर्गियों का गोश्त शामिल करना और होटलों और रेस्तरानों में बकरे के गोश्त में गधे का गोश्त शामिल करते, मिनरल वाटर में नलके का पानी, जाली सर्फ, जाली साबुन, जाली शैंपू, लेकिन असली टैग्स के साथ, दो नंबर दवाइयां लेकिन असली पैकिंग में, अस्पतालों में मरीजों के गुर्दे निकाल के बेच दें, दिल के ऑपरेशन में जाली स्टंट डाल दें, मियां बीवी में झगड़े, माँ बाप की नाफरमानी, रिश्तेदारों से कतअ रहमी, पड़ोसियों से बदसलूकी, उसातज़ा के साथ बदतमीजी, मोहब्बत में धोखा, ईमान में मुनाफकत, नाप तोल में कमी, ठेकों में रिश्वत, नौकरी में सिफारिश, कारोबार में हेरा फेरी, अमीरी में तकब्बुर, गरीबी में नाशुकरी, इल्म पर गुरूर और बगैर अमल के इल्म, इबादत में रियाकारी और इमारत में दिखावा, ये हैं हमारे कौमी आदातो इतवार। और चाहते हैं हम ये हैं कि अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल, या अल्लाह हमारे हालात क्यों नहीं बदलता, या अल्लाह हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत के बदलने का, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। कुरान के मुफस्सरीन कहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने कुरान में यह जिक्र किया है कि तुम इस कायनात को क्यों तस्खीर नहीं करते, गौरव फिक्र क्यों नहीं करते, सितारों की गर्दिश, दिन और रात के आने पर गौरव फिक्र क्यों नहीं करते, यानी कायनात पर जितना गौरव फिक्र का बार बार कहा गया है उतनी ही दफा अपने अंदर झांकने की बात भी की गई है। अनफुसिहिम, अपने अंदर भी झांको, क्योंकि तब्दीली असल में अंदर से आनी है। जितना मुश्किल ये इस कायनात को तस्खीर करना है उससे ज्यादा मुश्किल अपने आप को तस्खीर करना है। जिसने अपने आप को तस्खीर कर लिया उसने दुनिया को तस्खीर कर लिया। किसी का शेर है कि अगर अपने दिल पे नहीं हुक्मरान मुसख़िर हो किस तरह सारा जहां। आप अपने 5 फुट के जिस्म पर अगर तब्दीली नहीं ला सकते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप मौशरे में तब्दीली के ख्वाब देखते फिरें।